मैं छम नारायण यादव, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए काव्य सौंदर्य तत्व के अंतर्गत रस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि रस किसे कहते हैं या रस क्या है। तो पहले देखते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। आगे देखिए कि रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं या रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक आदि को देखने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। जैसे करें कि किसी काव्य को पढ़ने में जैसे हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें हमें कई प्रसंग मिलते हैं। जैसे महाराज दशरथ की मृत्यु पर प्रसंग मिलता है तो वहाँ पर हमें करुण रस की प्राप्ति होती है। वहीं जब हम राम लक्ष्मण तथा सीता का, राम और सीता का पुष्प वाटिका में मिलन है तो वहाँ पर रति श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। वहीं पर जब हम देखते हैं कि सीता का हरण होता है तो वहाँ पर हमें श्रृंगार के ही भेद वियोग का, और जब लंका दहन होता है तो वहाँ पर हमें भयानक या रौद्र रस के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी रस की परिभाषा को देते हुए आचार्य भरत मुनि ने अपने रचना नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि विभावानुभाव, अर्थात विभाव और अनुभाव, संचारी संयोगाद और संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अगला है रस के अंग। तो रस के चार अंग हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। तो ये रस के चार अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थायी भाव। तो हम पहले अध्ययन करेंगे रस के अंग विभाव का। विभाव किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों के कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। जैसे जब हम दशरथ की मृत्यु पर रानियों को विलाप करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, और वह भाव होता है किसका? शोक का। और जब हमारे अंदर ये शोक भाव उत्पन्न होता है तो उससे हमें जो है करुण रस की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से हम जिस किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखते हैं उससे जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। दूसरा है अनुभाव। देखिएगा, अनु मीन्स होता है पीछे, भाव मीन्स होता है भाव। अर्थात किसी वस्तु को देखने के बाद, जैसे जब राम और सीता का पुष्प वाटिका में मिलन होता है तो दोनों के जब एक दूसरे से आंखें मिलती हैं, दोनों की आंखें मिलती हैं तो वहाँ दोनों के चेहरे पर हंसी या मुस्कुराहट आती है। उसे देखने के बाद हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है रति प्रेम का, कि देखिए दोनों के मिलन कैसे हो रहा है। तो वहाँ हमें एक श्रृंगार रस, क्योंकि देखने के बाद, यानी वह भाव कब उत्पन्न हुआ? जब हमने किसी चीज़ को देखा इसके बाद, तो उसे क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। यह अनुभव, यह अनुभव चार प्रकार का होता है। पहला है सात्विक, दूसरा है, पहला है सात्विक, दूसरा है कायिक, तीसरा है वाचिक या मानसिक, और चौथा है आहारी। अब देखिएगा, अनुभव चार प्रकार का होता है, सात्विक, कायिक,
वाचिक या मानसिक और आहार्य। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा नंबर है संचारी भाव। संचारी भाव वह भाव है जो मनोविकार के रूप में हमारे अंदर निहित होता है और क्षण भर के लिए वह प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है, जो ये संचारी भाव है ये हमारे अंदर का एक मनोविकार है। इसकी संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है, मोह, निद्रा, अपस्मार, मरण आदि, यानी इसकी संख्या 33 है। अगला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव वह भाव होता है जो हमारे अंदर निहित होता है और किसी परिस्थितियों के कारण जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखते हैं तो वह उसकी जो है देखने के बाद वह हमारे अंदर से क्या है, बाहर निकल आता है और यह हमेशा हमारे अंदर निहित होता है। जबकि संचारी भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। अस्थाई भावों की संख्या 10 मानी गई है। कहीं कहीं इसके 11 अस्थाई भाव मिलते हैं, क्योंकि पहले संस्कृत में 8 रस थे, बाद में हिंदी में 9वें रस के रूप में शांत रस का प्रयोग हुआ। पुनः जो है आगे चल करके आचार्यों ने या जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने वात्सल्य और वात्सल्य और भक्ति नाम के दो अन्य रस का प्रयोग किया। तो 10वीं रस के रूप में आपका वात्सल्य रस है और 11वें के रूप में भक्ति रस। इसलिए अगर 11 रस हैं तो अस्थाई भाव भी 11 हैं, क्योंकि प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है, अपना एक अस्थाई भाव होता है। इसलिए देखिएगा, पहला रस है श्रृंगार, दूसरा है करुण, तीसरा हास्य है, चौथा रस है वीर, पांचवा भयानक, छठा रस है रौद, सातवां विभस, आठवां रस है अद्भुत और नौवां रस संत, दसवां रस वात्सल और 11वां रस है भक्ति रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण का स्थायी भाव है शोक, हास्य का स्थायी भाव है हास, वीर का स्थायी भाव है उत्साह, और भयानक का स्थायी भाव है भय। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध,
विभस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा और अद्भुत का आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, वात्सल का वत्सलता या पुत्रवत प्रेम और भक्ति रस का भगवत प्रेम। तो आज हम लोग रस का शाब्दिक अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अंग और उसके चारों अंग के बारे में हमने अध्ययन किया और अगले में हम जो है रस के जो भेद हैं उसका अध्ययन करेंगे।